नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, कल छठ पूजा है, कल छठ पूजा का त्यौहार है और पूरे पूर्वांचल में छठ पूजा को लेकर जिस तरीके की धूम होती है वो बखूबी आप जानते होंगे। और इस छठ पूजा में तमाम भोजपुरी कलाकारों के गाने भी बजते नजर आ रहे हैं और लोग इसका एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव से लेकर पवन सिंह से लेकर कल्लू से लेकर तमाम कलाकारों के गाने रिलीज हो रहे हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव के भी तीन गाने रिलीज हुए हैं, चला गंगा किनारे, सूरज बाबा और महादेवंगना, और तीनों गाने ट्रेंडिंग में हैं और इस गानों को दर्शक जो हैं भर भर कर प्यार दे रहे हैं। तो कल आपको पता है कि जब छठ पूजा है तो खेसारी लाल यादव को लेकर एक खबर आ गई है कि खेसारी लाल यादव जो हैं वो अपने गाँव में, जी हाँ, अपना जो गाँव है छपरा वाला, वहाँ पर छठ पूजा में पहुंचने वाले हैं और छठ पूजा के मौके पर वो बम पटाखे भी छोड़ने वाले हैं। और ऐसी जानकारी एक चैनल का एक खासकर इंटरव्यू लिया गया था, पवन पांडे जो राइटर हैं उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया गया था और उन्होंने बताया है, खुलासा किया है कि खेसारी लाल यादव जो हैं इस छठ पूजा के मौके पर वो अपना जो गाँव है वहाँ पर पहुँचेंगे और अपने परिवार के साथ छठ पूजा में शामिल होने वाले हैं। तो जो लोग भी छपरा में रहते हैं, जो लोग भी उनके फैंस हैं, तो वो लोग वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं छठ पूजा खेसारी लाल यादव, ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। तो एक अपडेट था कल छठ पूजा को लेकर। तो पूरे भोजपुरी रिमझिम टीम की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार, ग्रामीण और तमाम लोगों को जो है हमारे तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बेहतर तरीके से सावधानी के साथ छठ पूजा मनाएं। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम के साथ जो है जुड़े रहे हैं। तो बाकी अपडेट था, बाकी आप लोग कितना एक्साइटेड हैं खेसारी यादव को देखने के लिए छठ घाट पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। धन्यवाद।